तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त केके खाना और आप देख रहे हैं खाना इलेक्ट्रॉनिक जीनियस। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज मेरे पास ल्यूमिनियस कंपनी का इन्वर्टर रिपेयर होने के लिए आया है, जिसका मॉडल आप देख सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका मॉडल इलेक्ट्रा प्लस 965 भी का है। दोस्तों, इलेक्ट्रा प्लस है, ये इसका मॉडल है। और आप देख सकते हैं किट का मॉडल, किट का बनावट। ये मेरा बोर्ड है, इसमें जो पहले आता था लुमिनस में, ये मेरा बोर्ड लगा हुआ है इसमें। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं इसमें आखिर फॉल्ट क्या है, जिसके कारण ये कस्टमर मेरे पास लेकर आया है इन्वर्टर को रिपेयर करने के लिए। चलिए बार बार से कनेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन है इस इन्वर्टर में। अब देखते हैं, प्लस को हमने कनेक्ट कर लिया है और माइनस को कनेक्ट करते हैं। और फाइनली दोस्तों, आप देख सकते हैं ये लगातार वीप का साउंड दे रहा है। ये स्विच को ऑन करते हैं तो ऑफ हो जाता है, ऑन भी हो जाता है, इको पर आ जा रहा है। और ये मेरा लगातार फैन चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बिना लोड दिए हुए मेरा ये फैन चल रहा है। आप देख सकते हैं ये मेरा लगातार वीप का साउंड दे रहा है। चलिए एक बार डिस्कनेक्ट करते हैं और फिर से कनेक्ट करते हैं, देखते हैं एलईडी मेरा डिस्प्ले पर क्या कंडीशन है। दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसे हम बार बार से कनेक्ट करते हैं, सारा एलईडी एक बार ग्लो होती है और फिर चली जाती है। आप देख सकते हैं सारा एलईडी ग्लो हुआ और फिर चला गया, आप देख सकते हैं। और ये लगातार मेरा फैन चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, आखिर देखते हैं कहाँ से फॉल्ट है, जिसके कारण ये मेरा इन्वर्टर पूरा डेड पड़ गया है, ना ही ये आउटपुट दे रहा है, मतलब ये इन्वर्टर पूरा डेड कंडीशन में कोई वर्क नहीं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो या फिर न्यू आए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर नई वीडियो का अपडेट आपके फोन तक नोटिफिकेशन के द्वारा पहुँचता रहे। दोस्तों, इस कंडीशन में हम इसी ल्यूमिनस इन्वर्टर के बोर्ड में ज़्यादातर हम देखते हैं इस आईसी को ख़राब हो जाने से मेरा ये कंडीशन आता है। अगर ये मेरा लगातार वीप का साउंड दे रहा है और डिस्प्ले पर एक बार लाइट आके सारा ग्लो होकर फिर चला जाता है, तो हम अधिकतर फॉल्ट बोर्ड में इस आईसी से देखें। तो चलिए 12 वोल्ट से हम कनेक्ट करते हैं और ये कंफर्म करते हैं कि मेरा ये माइक्रो कंट्रोलर खराब है या फिर ये 2003 आईसी खराब है। हम हाथ लगा के देखेंगे, अगर मेरा ये खराब होगा आईसी तो मेरा हीट होगा। तो चलिए देखते हैं 12 वोल्ट से कनेक्ट करके और हाथ लगा के आईसी पर कि मेरा हीटिंग तो हो रहा है क्या। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे हम 12 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं वैसे मेरा लगातार फैन चल रहा है और ये मेरा पूरा डेड कंडीशन में कोई वर्क नहीं है इस मैटर का। आप देख सकते हैं इसको हम हाथ से लगा के देखते हैं कि मेरा आईसी हीट हो रहा है क्या। और दोस्तों, ये मेरा आईसी पूरी तरह से हीट हो रहा है, ये पूरी तरह से हीट हो रहा है। माइक्रो कंट्रोल को हम एक बार देख लेते हैं, ये मेरा नॉर्मल है दोस्तों, बट ये जो 2003 आईसी है प्रोसेसर में, ये पूरी तरह से हीट हो रहा है। तो फाइनली दोस्तों, हम यहाँ पर इस आईसी को चेंज करेंगे। सबसे पहले इस आईसी को यहाँ पर चेंज करेंगे क्योंकि ये पूरी तरह से हीट हो रहा है। तो यहाँ पर इस आईसी को चेंज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर मेरा इस आईसी से फॉल्ट होगा तो इसको चेंज करने से मेरा फॉल्ट क्रिएट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको खोलकर और इस आईसी को चेंज करके। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस किट को हमने यहाँ पर पूरी तरह से खोल लिया, इस बोर्ड को पूरी तरह से खोल लिया है। आप देख सकते हैं इस आईसी का नंबर देख पा रहे होंगे दोस्तों, ULN2003AN इसका नंबर, यानी 2003 इस आईसी का नंबर है। तो ये प्रोसेसर में है दोस्तों। अब ल्यूमिनस के न्यू वाले बोर्ड में SMD आईसी दे रहा है 2003, लेकिन इसमें मेरा प्रोसेसर लगा हुआ है। तो चलिए, मेरे पास न्यू प्रोसेसर में उपलब्ध है, इस आईसी को यहाँ पर रिमूव करते हैं और न्यू आईसी को डालते हैं और फिर देखते हैं मेरा फॉल्ट क्रिएट होता है कि नहीं। और दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से हमने इस पुराने आईसी को रिमूव कर लिया है। अब देख सकते हैं पीछे के साइड से डिसोल्डर पंप की मदद से हम यहाँ का रंगा खींच लिए थे और इस आईसी को यहाँ से आसानी पूर्वक रिमूव कर लिया। देख सकते हैं ये पुराना वाला है। तो दोस्तों, मेरे पास न्यू वाला अवेलेबल, हम दिखा देते हैं आपको एक बार। अब देख सकते हैं ये मेरा न्यू वाला आईसी, आप देख सकते हैं सेम नंबर का है दोस्तों। इसका भी नंबर देख सकते हैं दोस्तों, 2003 है, ULN2003AP-G, मतलब सेम नंबर का मेरा आईसी है। ये मेरा पुराना वाला है, ये न्यू वाला है। तो चलिए इस न्यू वाले को यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर आईसी लगाने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, यहाँ पर सर्किट में देख सकते हैं यहाँ पर U4 जहाँ पर लिखा हुआ है, कट का निशान दिया हुआ है और आईसी में भी मेरा कट का निशान रहता है। तो आईसी को उल्टा नहीं लगाना है, सीधा लगाना है। तो इस आईसी मेरा इस तरह बैठेगा यहाँ पर। चलिए इस आईसी को यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं मेरा फॉल्ट क्रिएट होता है या फिर ज्यों का त्यों है। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई इन्वर्टर वगैरह रिपेयर करने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर मेरे वीडियो में बताए गए प्रॉब्लम पर समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है या दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट में अपना प्रॉब्लम बताएं, कमेंट में अपना प्रॉब्लम लिखें, हम इधर से ही रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। जैसा कि आप सारे वीडियो में देखे होंगे कि सारे कमेंट का हम रिप्लाई दे दिया हूँ, तो आप भी अपना प्रॉब्लम बताएं, मैं आपको
मैं आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू वाला एसी हमने इंस्टॉल कर लिया है और पीछे के साइड से थिनर के माध्यम से साफ कर लिया है। देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पर एसी चेंज किए ही नहीं है। तो आप सावधानी बरतें, कोई भी एसी चेंज करें तो उसके पहले आप एसी चेंज करके सफाई थिनर के माध्यम से सफाई जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों पूरी तरह से ये तो हम लगा दिए एसी को, अब इसी बोर्ड को यहाँ पर फिट करते हैं और देखते हैं बड़ा बोर्ड देकर मेरा प्रॉब्लम ठीक हुआ कि नहीं करते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने यहाँ पर न्यू एसी डाल लिया है, अब चलिए इसको 12 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं और देखते हैं मेरा प्रॉब्लम ठीक हुआ कि नहीं। यहाँ से 12 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं और सामने डिस्प्ले पर देखें दोस्तों मेरा वन ऑफ का स्विच काम कर रहा है और जो मेरा लगातार वीप का सोन आ रहा था वो प्रॉब्लम ठीक हो गया, देख सकते सामने से। और पीछे के साइड से मेरा जो फैन चल रहा था लगातार वो भी मेरा ठीक है और ऑन ऑफ हो रहा ठीक ठाक। अब चलिए इसका हम आउटपुट चेक करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं आप 250 वोल्ट लगभग ये मेरा निकाल रहा है, मतलब आउटपुट इसका सही हो गया है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इसमें लाइन इनपुट करते हैं और देखते हैं मेरा चार्जिंग वगैरह ठीक ठाक है कि नहीं। दोस्तों सामने देख सकते हैं ये मेरा मेन आ गया है और मेरा बैटरी फुल चार्ज है, इसलिए मेरा यहाँ बैटरी चार्ज का इंडिकेट नहीं कर रहा है, नहीं तो इंडिकेट करता। तो चलिए दोस्तों आज का जो फॉल्ट था वो पूरी तरह से क्लियर हो गया है, फिर मिलते हैं नए टॉपिक पर नए वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।